जबलपुर के लेमा गार्डन में राजीव गांधी आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत रहवासी मकान बनाए गए थे। यह मकान 3,80,000 रुपए में उपलब्ध कराए गए थे। हितग्राही को इस रकम का 30% नगर निगम में जमा करना था, जिसके बाद हितग्राही को उसके मकान का मालिकाना हक प्रदान किया जाना था। लेमा गार्डन में योजना के अंतर्गत 434 मकान बनाए गए थे। इन मकानों में अलग अलग स्थानों से विस्थापित किए हुए लोगों को बसाया गया था और कुछ वह लोग थे जो आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए मकान और बस्तियां जर्जर होने के बाद यहां पर लाकर बसा दिए गए थे। लेकिन बार बार शिकायतें सामने आ रही थी कि लेमा गार्डन की शासकीय योजना के इन मकानों में दबंगों ने कब्जा जमा रखा है। पात्र हितग्राहियों की जगह इन मकानों में स्थानीय गुंडे, बदमाश और तथाकथित नेताओं ने कब्जा जमा लिया है। उच्च न्यायालय इस मामले में निर्देश जारी किए थे कि यहाँ के 430 मकानों में अवैध रूप से जो लोग रह रहे हैं उन्हें यहाँ से हटा दिया जाए। उच्च न्यायालय के निर्देश के परिपालन में नगर निगम के उच्च अधिकारियों की टीम अतिक्रमण दस्ता और पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची। 430 मकानों में रहने वाले लोगों को हटाने की कार्यवाही को अंजाम दिया गया। कार्यवाही में सबसे पहले लेमा गार्डन के आसपास जिन लोगों के मकान पहले से हैं उन्हें हटाया जा रहा है। नगर निगम उन सभी लोगों को दूसरे स्थानों पर सुरक्षित रूप से पहुंचाने की व्यवस्था कर रहा है। नगर निगम की इस कार्यवाही से लेमा गार्डन की इस बस्ती में रहने वाले लोगों में हाहाकार मच गया है। स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि नगर निगम के अमले को जोर जबरदस्ती करके लोगों को घरों के बाहर निकालना पड़ रहा है। कई लोग बहुत दुखी थे और चीख पुकार कर रहे थे। उनसे इन मकानों को देने के बदले में रकम भी जमा करवाई गई थी, जिसके दस्तावेज भी कुछ लोग दिखा रहे थे। एक व्यक्ति तो इतना व्यथित हो गया था कि वह मकान छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए अपने बच्चे के हाथों से पकड़कर मकान की रेलिंग पर खड़ा हो गया और नीचे कूदकर जान देने की धमकियां देने लगा। नगर निगम के लोगों ने किसी तरह समझाइश देकर उसे नीचे उतारा। यहाँ पर रह रहे लोगों द्वारा अपना मकान होने का दावा लगातार किया जा रहा है, लेकिन नगर निगम के अफसर उनके दिखाए गए कागजात से संतुष्ट नहीं हुए। नगर निगम के अफसरों का कहना है जहां 430 परिवार अवैध रूप से रह रहे हैं, जिन्होंने नगर निगम में इन मकानों के एवज में कोई भी रकम नहीं जमा की है। इन मकानों पर कब्जा करने वाले और उन्हें किराए पर देने वाले नेताओं और दबंगों के बारे में नगर निगम के अफसरों ने कहा उन पर शीघ्र कार्यवाही की जाएगी। मकान टूटी बना पीली बिल्डिंग के पीछे और सर पहले बोला गया था कि अभी कुछ दिन यहाँ पे रह लो, वहाँ पे आप लोगों को लिए बनवा के देंगे। तो वहाँ पे दे रहे नहीं, यहाँ पे दे रहे। सर हम लोग कहाँ जाए छोटे छोटे बच्चों को लेके? एक काम करें, हम लोग को जहर दे के मार डाले, सबसे सही यही एक उपाय है। हम लोग ना यहाँ रहेंगे ना कहीं के, तो लोगों को सुकून मिल जाएगा। नाम बताएं अपना। दुर्गा चौधरी। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुक्रम में आज लेमा गार्डन में, जो कि नगर निगम द्वारा राजीव आवास योजना के तहत बस्ती बनाई गई थी, मल्टी बनाई गई थी, इसमें अवैध रूप से बगैर आवंटन के लगभग 430 परिवार यहां पर रह रहे थे। यद्यपि यह सही है कि कुछ एक स्थानों से नगर निगम की बिल्डिंगों के कारण कुछ लोगों को यहाँ बसाया गया था, लेकिन किसी भी के द्वारा जो योजना की आवश्यकताएँ थी उसके अनुरूप राशि वहाँ जमा नहीं की गई थी, जो कि राजीव आवास योजना में 3,81,000 रुपये जमा करना पड़ता है। अवैध ढंग से ये लोग रह रहे थे, तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में संपूर्ण प्रक्रियाओं को पूरा करने के उपरांत मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर इन लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। करीब 250 ऐसे परिवार हैं जिनके आजू बाजू में ही मकान हैं, दूसरे मकान हैं, तो ऐसे सभी लोगों को वरीयता के क्रम में सबसे पहले यहाँ से अलग किया जा रहा है। परिवारों के खान पान के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है कि कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, इस आशय की भी यहाँ व्यवस्थाएं की जा रही हैं। थैंक यू। देखा गया कि मैं बड़े लोग ने मकान ले लिया और किराए भी दिए। ये निश्चित रूप से सही बात है। ऐसे 11 घर चिन्हित हुए थे जो कि दूसरे लोगों के द्वारा किराए पर दिए गए थे, और ऐसे लोगों को भी सर्वप्रथम यहाँ से अलग किया गया है। सर इन पे कोई दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है क्या? इनके बारे में आगे विस्तृत विवेचना जारी है और इस पर पुलिस हमारी कार्रवाई करेगी। थैंक यू। हाँ सर बताएं, नगर निगम में क्या कार्रवाई की जा रही है, कितने संभागीय अधिकारी आए हैं और क्या क्या दिशा निर्देश मिले हैं आप लोगों? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के तारतम्य में जो दिए गए निर्देश हैं उसके परिपालन में हम लोग के द्वारा लेमा गार्डन में जो 434 जिनके द्वारा अवैध कब्जा किया गया है उनको हम लोग खाली करा रहे हैं, जिसमें नगर निगम से मेरे साथ में और सारे सहायक आयुक्त हैं और 3 जोन के संभागीय अधिकारी इसमें शामिल हैं।
सर क्या क्या दिशा निर्देश मिले हैं, क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? जो हमको 434 हमारे जो आवास हैं उनको खाली करा के उनको हम लोग ताला लगा रहे हैं और पंचनामा बना रहे हैं। अपना शुभ नाम बता दें सर। महेश कोरी, अपर आयुक्त। थैंक यू बस सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पे लोग मकान किराए पे दिए हुए हैं, जो स्वयं मालिक हैं, बड़े बड़े लोग हैं जिन्हें मकान किराए पे दिया है, पुलिस इस पर क्या कार्रवाई कर रही है, कौन सी धाराएं लगाएगी? नहीं, ये पूरा सर्वे और ये अलॉटमेंट का जो प्रक्रिया है वो नगर निगम के द्वारा की गई है और पुलिस प्रशासन द्वारा केवल यहाँ पर शांति व्यवस्था स्थापित की गई है। उस शांति व्यवस्था के आधार पर यहाँ पुलिस फोर्स उपस्थित हुई है, यहाँ पे पुलिस का अलॉटमेंट और उसमें कोई रोल नहीं है। जबलपुर से आशीष माथुर की रिपोर्ट।